वही जनपद पौड़ी जिले में अब वन अग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी है। वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग के विंटर सीजन में किए गए कंट्रोल बर्निंग की पोल भी खोल दी है। बता दें कि जिले में अब तक कई हेक्टेयर जंगल वन अग्नि की भेंट चढ़ा चुका है और लाखों की वन संपदा इसी बीच जलकर खाक भी हो चुकी है। हालांकि वन विभाग के फायर वॉचर वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जंगलों में तेजी से फैल रही आग काबू से बाहर हो रही है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ रही है। बता दें ऐसे में गढ़वाल डीएफओ ने बताया कि वन अग्नि की घटनाओं में कमी लाने के लिए हर गांव में फायर वॉचर तैनात किए गए हैं, जिससे इन घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने बताया बेवजह जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ भी वन विभाग सख्त कार्यवाही करेगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जब भी फायर सीजन फरवरी माह से शुरू होता है तो उससे पहले वन विभाग लाख दावे करता है कि उनके जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं, लेकिन आप अगर वनाग्नि की घटनाएं देखते हैं तो जो भी वनकर्मी आग बुझाता है तो वो जो चारा पत्ती हैं उनके झापू के माध्यम से ही आग बुझाता हुआ नज़र आता है। ना इनके ग्लव्स कार्मिकों को मिले रहते हैं, ना ही कोई पानी की समुचित व्यवस्था आग बुझाने को लेकर होती है। दूसरा इसमें यह है कि जो पहले ग्रामीण स्तर पे होता था कि प्रत्येक ग्रामीण भी आग बुझाने के लिए आगे आता था, लेकिन वर्तमान में वो स्थिति कम दिख रही है। सिविल सेम की तरफ से रखे गए हैं, वन विभाग की तरफ से फायर वाचर रहे हम एक तरफ से हमने बचाव कर दिया है, थोड़ा सा और रह गया, हवा चलने के कारण से नहीं बुझा पा रहे, अभी बुझा दें कवर कर देंगे हम। कोई मदद करने के लिए नहीं आता है हमारी। फायर सीजन के लिए एक जो फायर प्लान हमारा जो है जिला स्तर पर अनुमोदन होता है तो उसका अनुमोदन हो गया है। हम लोगों ने जो है जिलाधिकारी स्तर के स्तर से विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि आप जो है फायर में सहयोग प्रदान करें। वन विभाग की ओर से जो है कंट्रोल बर्निंग होना था, हम लोगों ने जो है माह दिसंबर में और माह जनवरी में कई क्षेत्रों में हमारे प्लांटेशंस के और जंगलों के चारों ओर हम लोगों ने कंट्रोल बर्निंग किया है। ये बात सही है कि हम लोगों को जो 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है उससे जो है कुछ राहत मिली है, बट आगे वाले समय में हमारे स्तर से जो है वनाग्नि प्रबंधन और कंट्रोल करने के लिए जो फायर वॉचर्स रखे जाने हैं 15 तारीख से हम लोग उसको एंगेज कर देंगे। और आप सभी से दोबारा हमारा निवेदन होगा कि कृपया जंगल हम सबके हैं तो हम लोग जंगलों में आग ना लगाएं, अगर आग लगती है तो वन विभाग को तुरंत सूचित